आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फोल्डर के बारे में। दोस्तों, फोल्डर पर बनाई गई वीडियो दो पार्ट्स में है। पहले पार्ट में आपको बहुत सी जानकारी हम दे चुके हैं और ये उस वीडियो का दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में आप सीखेंगे किसी भी फाइल या फोल्डर को दूसरे फोल्डर में कॉपी करना, किसी भी फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, किसी फाइल या फोल्डर को मूव करना, उसे ढूंढना और उसे डिलीट करना। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किसी भी फाइल या फोल्डर को आप दूसरे फोल्डर में कैसे कॉपी कर सकते हैं। यहाँ डेस्कटॉप पर आप भारत नाम का एक फोल्डर देख रहे हैं। डेस्कटॉप पर इस तरह ऊपर की ओर जो फोल्डर होता है उसे सिस्टम फोल्डर कहते हैं। हमने इसमें रमेश नाम से एक फाइल सेव की हुई है जिसे हम डेस्कटॉप पर बने पर्सनल फोल्डर में कॉपी करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम भारत फोल्डर पर जाकर डबल क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पर रमेश के नाम वाली फाइल दिखाई पड़ रही है। अब इस फाइल पर पॉइंटर ले जाकर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। एक मेन्यू ओपन होगा, इसमें कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही ये फाइल कॉपी हो जाएगी। अब हम इस विंडो को बंद कर देते हैं और इस फाइल को जहां पेस्ट करना चाहते हैं उस फोल्डर पर चलते हैं। हम इसे अपने डेस्कटॉप पर बने पर्सनल फोल्डर में पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए पर्सनल फोल्डर पर डबल क्लिक करके उसे ओपन कर लेते हैं। अब इसमें किसी खाली जगह पर पॉइंटर रखकर माउस का राइट बटन क्लिक करें और ओपन हुए मेन्यू में से पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। देखिए, ऐसा करते ही हमारी रमेश नाम की जो फाइल थी वो यहाँ भी आ गई है। यानी अब हमारे पास रमेश नाम की फाइल्स दो जगह पर हैं। एक जहाँ से हमने कॉपी की थी यानी भारत नाम के फोल्डर में, और दूसरी जहाँ अभी हमने पेस्ट की मतलब पर्सनल फोल्डर में। ठीक इसी तरह आप किसी भी फोल्डर को कॉपी करके दूसरे फोल्डर में पेस्ट कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी फोल्डर या फाइल को आप एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ले जा सकते हैं। हम डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहे पर्सनल फोल्डर को डेस्कटॉप से हटाकर डी ड्राइव में ले जाकर रखना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले पर्सनल फोल्डर पर पॉइंटर रखकर राइट क्लिक करें, फिर यहाँ दिखाई पड़ रहे मेन्यू में कट पर क्लिक करें और इसके बाद आप जिस भी फोल्डर या ड्राइव में इसे पेस्ट करना चाहते हैं उसे ओपन करें। जैसे हम डी ड्राइव में इसे रखना चाहते हैं तो हमने पहले कंप्यूटर पर डबल क्लिक किया और फिर डी ड्राइव पर डबल क्लिक किया, तो ये देखिए डी ड्राइव ओपन हो गई है। अब हम जिस फोल्डर को कट करके लाए हैं उसे पेस्ट करने के लिए यहाँ किसी खाली स्थान पर माउस से राइट क्लिक करेंगे और ये अब ओपन हुए मेन्यू में पेस्ट पर जा करके क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा फोल्डर यहाँ पर पेस्ट हो गया है और यहाँ वो दिखाई पड़ रहा है। हम इस विंडो को बंद कर देते हैं। अब हम वापस डेस्कटॉप पर आ गए हैं। देखिए, हमने जिस फोल्डर को यहाँ से कट किया था वो अब यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक इसी तरह आप किसी भी फाइल को कट करके एक जगह से दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखें, कॉपी करने से फाइल या फोल्डर दोनों स्थान पर रहते हैं, जहाँ से हम कॉपी करते हैं वहाँ भी और जहाँ पेस्ट करते हैं वहाँ भी, जबकि कट करने से फाइल या फोल्डर पहले वाले स्थान से हट जाते हैं और जहाँ पर पेस्ट करते हैं वहाँ आ जाते हैं। अब देखते हैं किसी फाइल या फोल्डर को कैसे मूव कर सकते हैं। यदि आप किसी एक ही लोकेशन पर रखी किसी फाइल को उसी लोकेशन पर रखे किसी फोल्डर में ले जाना चाहते हैं, जैसे हम समझने के लिए डी ड्राइव पर चलते हैं। अब पर्सनल फोल्डर ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर दिखाई दे रही रमेश नाम वाली फाइल को एड्रेस वाले फोल्डर में ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कट पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सीधे उस फाइल पर पॉइंटर ले जाकर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करें और बिना क्लिक छोड़े ड्रैग करके यानी उसे खींचते हुए जिस फोल्डर में ले जाना है उस पर पॉइंटर ले जाकर क्लिक छोड़ दें। ऐसा करते ही फाइल मूव हो जाएगी। अब हम
वो फोल्डर ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए फाइल यहाँ पर आ गई है। हम वापस डी ड्राइव पर चलते हैं। जैसे अभी हमने फाइल को मूव किया, ठीक उसी तरह आप किसी भी फोल्डर को भी मूव करके दूसरे फोल्डर में ले जा सकते हैं। ये यहाँ हम न्यू फोल्डर को मूव करके पर्सनल फोल्डर में ले जा रहे हैं। देखिए फोल्डर मूव हो गया है। आइए अब देखते हैं बगैर कॉपी पेस्ट के मूव की सहायता से किसी फोल्डर को दूसरी लोकेशन पर कॉपी कैसे करते हैं। इसके लिए हम पहले डी ड्राइव को मिनिमाइज कर देते हैं। अब कंप्यूटर पर चलते हैं और डेस्कटॉप ओपन कर लेते हैं। अब डी ड्राइव को मैक्सिमाइज करके इसमें पर्सनल फोल्डर पर पॉइंटर ले जाकर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके और बिना क्लिक छोड़े ड्रैग करके नीचे टास्क बार में छुपे डेस्कटॉप पर ले जा रहे हैं। ऐसा करते ही डेस्कटॉप ऊपर स्क्रीन पर आ गया है। अब फोल्डर को इसमें कहीं भी छोड़ दें। ये देखिए पर्सनल फोल्डर अब डेस्कटॉप और डी ड्राइव दोनों में दिखाई पड़ रहा है। ठीक इसी तरह आप किसी भी फाइल की कॉपी किसी अन्य लोकेशन पर कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर को ढूंढना। मान लीजिए आप किसी फाइल में काम करना चाहते हैं पर वो फाइल आपने कहाँ रखी है या भूल गए हैं, तो उसे ढूंढने के लिए स्टार्ट बटन पर जाकर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपके सामने स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा जिसमें नीचे सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप जिस फाइल को ढूंढना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर टाइप करें। हमने टाइप किया ज्ञान यज्ञ। देखिए ऐसा करते ही इस नाम की जितनी भी फाइल्स होंगी वो यहाँ पर दिखाई पड़ने लगी हैं। अब आप जिस भी फाइल को खोलना चाहते हैं उस पर जाकर क्लिक करें। ये देखिए हमको जो फाइल चाहिए थी वो खुल गई है। फाइल के खुल जाने पर अगर आप उसमें कोई काम करना चाहते हो तो कर सकते हैं। हम इसे अभी बंद कर रहे हैं। ठीक इसी तरह आप किसी फोल्डर को भी ढूंढ सकते हैं। अब मान लीजिए आप इस तरह से किसी फाइल या फोल्डर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो इसका दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं। उसके लिए कंप्यूटर के आइकॉन पर डबल क्लिक करें। अब यहाँ राइट साइड में ऊपर दिखाई दे रहे सर्च कंप्यूटर में जो फाइल या फोल्डर आप ढूंढना चाहते हैं उसका पूरा नाम लिखें या उसके नाम के कुछ अक्षर टाइप करें। जैसे हमने एड्रेस फोल्डर के लिए टाइप किया ADD। देखिए ऐसा करते ही ऊपर हरी पट्टी चलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर इस नाम से शुरू होने वाले शब्द ढूंढ रहा है और कुछ ही सेकंड में हमें इस नाम से मिलते जुलते जितने भी फोल्डर्स या फाइल्स होंगे वो दिखाई देने लगेंगे। अब इसमें से आप अपना फोल्डर ढूंढकर उस पर क्लिक करें। चलिए अब आपको बता देते हैं फोल्डर को डिलीट करना। आपने जो भी फोल्डर बनाए हैं उसमें से अगर आपको लगता है कि कोई फोल्डर अब आपके काम का नहीं है यानी अब आपको उसकी जरूरत नहीं है तो आप उस फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। हम डेस्कटॉप पर बने पर्सनल फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले पर्सनल फोल्डर पर पॉइंटर रखकर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। एक मेन्यू ओपन होगा, इसमें नीचे की ओर डिलीट लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या आप इस फोल्डर को रिसाइकल बिन में भेजना चाहते हैं। यदि हाँ तो यस पर क्लिक करें या एंटर प्रेस करें। हम इसे डिलीट नहीं करना चाहते इसलिए नो पर क्लिक कर रहे हैं। आइए अब डिलीट करने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। उसके लिए फोल्डर पर क्लिक करके फोल्डर को सिलेक्ट करें और फिर अपने कीबोर्ड पर डिलीट की प्रेस करें। ऐसा करते ही पहले की तरह एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब हम एंटर प्रेस करके इस फोल्डर को डिलीट कर रहे हैं। यहाँ एक खास बात ध्यान रखें कि किसी भी फोल्डर को डिलीट करने पर उसके अंदर जो भी कंटेंट सेव्ड होंगे जैसे कि फाइल फोल्डर वगैरह वो भी डिलीट हो जाएंगे। यानी आप किसी भी फोल्डर को डिलीट करने से पहले खोल कर देख लें कि उसके अंदर क्या है। अब हम भारत नाम के फोल्डर को ओपन करके इसमें दिखाई दे रही रमेश नाम की फाइल को भी पहले बताए अनुसार डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ
फोल्डर के बारे में जानकारी पूरी हुई। आप प्रैक्टिस करते रहिए।